इंट्रोड्यूसिंग वीवो जेड टू प्रो। तो दोस्तों फाइनली वीवो जेड वन प्रो के ह्यूज सक्सेस के बाद अब वीवो अपना अगला स्मार्टफोन वीवो जेड टू प्रो बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है इंडियन मार्केट में, जो कि आने वाला है बहुत ही बेहतरीन डुअल पॉपअप कैमरे के साथ में। और साथ में दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और बैक साइड में क्वाड कैमरा का सपोर्ट, जो कि आने वाला है 64 मेगापिक्सल के ट्रू सैमसंग G W1 के सेंसर के साथ में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइन, जो कि आने वाला है ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है क्वाड कैमरा का सपोर्ट, जो कि आने वाला है 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों फुल व्यू डिस्प्ले होने की वजह से इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है दोस्तों 48 मेगापिक्सल का। और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक और कैमरा देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, जो कि आने वाला है बहुत ही बेहतरीन 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और आपको इस स्मार्टफोन में एक बेस वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है, जो कि होने वाला है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों 17 से 18 हजार रुपए के करीबन। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला एक बहुत ही बेहतरीन 5000mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और दोस्तों स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको देखने को मिलने वाला एक 18W का फास्ट चार्जर। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि आने वाला है फ्रंट टच ओएस के साथ में। और बात करें दोस्तों फाइनली स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को रिलीज किया जाएगा बहुत ही जल्द, यानी आपको इस स्मार्टफोन को देखने को मिलने वाला है दिवाली से पहले इंडिया में। दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ लीक्स और रूमर्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।